हेलो स्मोकी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? स्मोकी, वी हैव टू टॉक. यू कैन नॉट किस मी नाउ, वी हैव टू टॉक. ओके, ऑल राइट. हेलो स्मोकी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? स्मोकी एंड मामा आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ. आप देख रहे हो स्मोकी कैसे बात कर रहा है. आज हम बात करेंगे स्मोकी के डाइट के ऊपर. राइट स्मोकू, गुड बॉय. सो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मोस्ट प्रोबेबली द नेम इज कार्तिक आयर. उन्होंने ये क्वेरी किया था कि क्या डाइट मैं स्मोकी को देती हूँ. ये वीडियो स्मोकी के डाइट के लिए इसलिए मैं बना रही हूँ, सो दैट कोई भी अगर नए अफ्रीकन ग्रे पैरट पेरेंट है उन्हें पता चले, और कोई क्वेरी हो तो हमारे इस वीडियो के दौरान उन्हें अगर हेल्प मिल सके. ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. नंबर वन, मैं कोई वेट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. स्मोकी को क्या देना चाहिए, स्मोकी के लिए कौन सा खाना अच्छा होगा, ये सब मैंने नेट पे सर्च किया है. अफ्रीकन ग्रे के लिए हेल्दी डाइट क्या होता है, उसी के ऊपर मैंने स्मोकी को खाना देना शुरू करा. सेकेंड डिस्क्लेमर इज, हर एक पैरट अलग होता है. ये टाइनी विनी जो सोल्स है, ये लोग हमारे ह्यूमन की तरह ही, उनका हर एक पैरट का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, खाना पसंद करने का तरीका अलग होता है. तो स्मोकी को जो जो खाना पसंद होता है वो मैं शेयर जरूर करूंगी इस वीडियो में. पर ये ध्यान रखें, जो जो हेल्दी डाइट है, जो जो हेल्दी खाना होता है अफ्रीकन ग्रे के लिए, आप अपने अफ्रीकन ग्रे के लिए ज्यादा से ज्यादा वो इंट्रोड्यूस करें. जब वो बेबी है, फॉर्मूला से खाने के सॉलिड फूड में आ रहा है, तब आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करें. अगर आप सोच रहे हैं कि स्मोकी जो खा रहा है वही आप अपने अफ्रीकन ग्रे को देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. अगर आप सोच रहे हैं कि अफ्रीकन ग्रे फूड जो होता है, जो जो हेल्दी फूड होता है, सब आपके पैरेट खाएंगे, जो जो खाना है सब वो एक साथ में पसंद करेगा, तो भी वो वीडियो आपके लिए नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ खाना होगा जो खिलाने से वो बहुत ज्यादा बात करने लगेगा, बहुत ज्यादा बोलने लगेगा, अगर आपका एक्सपेक्टेशन एक पैरेट को प्यार करने के लिए ये है कि वो बात करेगा या बात करना चाहिए उसे, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है. सो शुरू करते हैं ये देखना, ये डिस्कस करना कि स्मोकी को क्या क्या खाना अच्छा लगता है. स्मोकी के डाइट प्लान के लिए मैं शुरू से बता दूं क्रोनोलॉजिकली क्या हुआ था. स्मोकी आया था हमारे घर में 2 महीने के एज में, तब वो A19 फॉर्मूला लेता था दिन में 4 बार. पर्टिकुलर क्वांटिटी था जो उसके ब्रीडर ने मुझे बताया था, जहां से मैंने उसको लिया था, और वैसे ही मैं दे रही थी. ब्रीडर ने मुझे बताया था कि 1 साल तक A19 चलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने नेट पे सर्च किया कि आप 3 महीने के एज से उसे सॉलिड फूड देना चालू कर सकते हो. मैंने जो पहला फूड स्मोकी को दिया था वो है बनाना, केला. उसका शॉर्ट्स आप शायद चैनल पे भी देख सकते हो. फर्स्ट टाइम स्मोकी जो बनाना बाइट ले रहा था, उसका शॉर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है. वो उसको बनाना काफी पसंद आया था. इनफैक्ट आज भी वो, अभी 6 मंथ्स का है, अभी भी उसे केला खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है. उसे बनाना एज अ फ्रूट काफी पसंद आज भी है. जब मैंने देखा वो थोड़ा तो बनाना खा लिया, तब भी वो A19 पे था, मैंने 4 टाइम का खाना उसका 3 टाइम का कर दिया, और 1 टाइम मैं उसे बनाना देती थी. दैट वेंट फॉर गुड 7 डेज, वो 7 दिन तक चला ऐसे. फिर मैंने उसको शुरू किया देना थोड़ा थोड़ा सब्जी का टुकड़ा, लाइक ब्रोकली, कैरेट, बीन्स, छोटा छोटा छोटू छोटू सा बाइट उसको रॉ वेजिटेबल में देना शुरू किया. तब पहले वो रॉ उतना पसंद नहीं करता था, तो हम आधा कच्चा उबाल के उसको दे देते थे, कभी वो खा लेता था, क्योंकि उस टाइम में वो 2.5 महीने का था और बहुत ज्यादा छोटा था. धीरे धीरे उसको मैंने चना देना शुरू किया. सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, उस टाइम में मैंने उसको A19 बंद करके उस टाइम में उसे 3 किस्म का चना एक साथ मिला के मैं कभी भी देती हूँ, जो है काबुली चना, दैट इज चिकपीस, देन बंगाल ग्राम, समटाइम्स लोग उसे ब्राउन चना भी बोलते हैं, एंड ब्लैक चना.
कभी कभी ब्लैक चना के बदले मैं जस्ट फॉर अ टेस्ट चेंज ग्रीन चना भी दे देती हूँ। मैं भिगो के रखती हूँ रात में, सुबह वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके साथ मैं करती हूँ एक चीज जो मैं कभी कभी बनाना कट करके, कभी कभी ऑरेंज को छोटा छोटा कट करके, ज्यादातर टाइम पोमोग्रेनेट उसके ऊपर ड्रेसिंग करके उसे दे देती हूँ, क्योंकि उसे पोमोग्रेनेट भी एज अ फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये उसका सुबह का ब्रेकफास्ट है जो मैं अभी भी वो मेंटेन करती हूँ। चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच इज नंबर वन। कोई कोई पैरेट्स हाफ कुक्ड पसंद करते हैं, कोई कोई पैरेट्स रॉ पसंद करते हैं, स्मोकी जैसे रॉ पसंद करता है, उसमें सॉल्ट वॉल्ड वो सब नहीं, जस्ट बॉइल्ड समटाइम और रॉ, दैट इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सेकेंड बेसिक थिंग इज पैलेट्स, उसको मैं ये पैलेट देती हूँ, मैं लाइन हूँ आपको दिख, पैलेट देती हूँ फ्रूटोज पैलेट, ये मैंने अमेजन से ही खरीदा था, दिस इज अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स के लिए ओनली। ये आप देख सकते हो हर एक फ्रूट का करके ये पैलेट बनाया हुआ है, हमेशा अफ्रीकन ग्रे, जैसे कि मैंने कहा सारे फ्रूट्स को पसंद नहीं करते ना ही खाते हैं, तो ये अगर आप ऐसे पैलेट दोगे तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। थर्ड है सीड मिक्स, सो मैं उसे ये सीड मिक्स देती हूँ बर्ड नेचर के तरफ से, ये भी मैंने अमेजन से ही लिया था। इसमें अफ्रीकन ग्रेस के लिए जो जो सीड्स चाहिए होता है, ड्राई फ्रूट्स चाहिए होता है, उसका एक मिक्स है, मैं ये उसको प्रोवाइड करती हूँ। सो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा अफ्रीकन ग्रे डाइट प्लान में। जो एकदम डोंट्स है, एकदम बिग नो नो है, वो है उनको सॉल्ट नहीं देना है कोई भी खाने में, उनको बहुत ज्यादा मसालेदार होम कुक्ड हो या बाहर का हो वो सब नहीं देना है, उन्हें फ्राइड फूड्स नहीं देना है जैसे कि पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ऑल दोस थिंग्स, उनको कोई अल्कोहलिक बेवरेज एंड कफाइन बेवरेज नहीं देना है जैसे कि टी कॉफी, वो सब एकदम नहीं। और स्पेशली बाहर का खाना और वो सब मैं खा रही तो मैं उसको भी दे रही हूँ, ऐसा कतई ही नहीं। सो और एक कॉन्ट्रोवर्सी है ओवर नेट के अफ्रीकन ग्रेस को राइस देना जरूरी है या नहीं, या हार्मफुल है या नहीं। तो इस कंट्रोवर्सी को मैंने नेट पे काफी पढ़ा, काफी उसको लेके रिसर्च करा। पहले मैं उसे डर के मारे राइस नहीं देती थी, फिर मैंने बहुत पढ़ के देखा कि आप उसे बाहर का फ्राइड राइस, बिरयानी वो सब तो नहीं दे सकते, पर हाँ उबाला हुआ चावल कभी कभी एक कटोरी में आप थोड़ा सा दे सकते हो, जस्ट टू मेंटेन कार्ब लेवल इन देयर डाइट, क्योंकि वो प्रोटीन खा रहा है, वो वेजीज फ्रूट्स खा रहा है, जैसे कि स्मोकी बॉयल एग भी बहुत पसंद करता है, नॉट द योक पोर्शन बट द व्हाइट पार्ट ऑफ इट। योक भी आप दे सकते हो अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स को, बट स्पेशली स्मोकी पसंद नहीं करता, तो वो कभी कभी एग व्हाइट्स भी खाता है। तो प्रोटीन और फैट ये सब तो उसके लिए होता है, पर जस्ट फॉर द कार्ब लेवल कभी कभी व्हाइट राइस थोड़ा सा कटोरी में देना इज ओके। तो आप बॉयल्ड राइस भी कभी कभी दे सकते हो। स्मोकीज मोस्ट फेवरेट फूड्स, अब आते हैं इस पार्ट पे। स्मोकी के मोस्ट फेवरेट फूड में से है ऑफ कोर्स बनाना, देन पोमोग्रेनेट, पिल्ड पोमोग्रेनेट ऑफ कोर्स, एग व्हाइट एंड देन बॉइल्ड राइस, क्योंकि उसे बहुत रेयरली कभी कभी मिलता है तो उसको पसंद होता है वो। सो ये सब चीज उसको बहुत ज्यादा फेवरेट है। ऑल्सो ब्रोकली, आजकल उसका नया फेवरेट ब्रोकली बना है। सो ब्रोकली, पपाया, जो पक्का पपाया होता है जो हम ऐसे फ्रूट खाते हैं वो पपाया ऑफ कोर्स, तो ये सब उसके फेवरेट फूड में से है। जो एकदम से नॉट फेवरेट फूड ऑफ स्मोकी, वो देती तो मैं हूँ बट आज तक उसको उतना पसंद नहीं आया, वो सब है ऑरेंज, क्यूक्यूम्बर, देन कैरेट,
ये सब उसको कते ही पसंद नहीं है, बीन्स एकदम पसंद नहीं है उसको, मैं देती हूँ वो खाने मना कर देता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, सो यस। एंड ऑल्सो जब हम खाने के बारे में, डाइट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं बता दूं, लिक्विड में आप उसे शुगर फ्री ऑरेंज जूस दे सकते हो, आमंड मिल्क दे सकते हो, सोया मिल्क दे सकते हो, नॉर्मल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट नहीं दे सकते ऑफकोर्स, एंड चॉकलेट्स एंड ऑल तो कभी मत देना, एंड वाटर हमेशा ये ध्यान रखना कि फ्रेश वाटर बॉल में रहे, जैसे कि स्मोकी के केज के अंदर भी और ऊपर जहाँ पे वो बैठता है उसके प्ले एरिया वहां पे भी दो तीन जगहों पे मैं उसका वाटर रखती हूँ। सो वाटर सप्लाई फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गंदा गिर के रहेगा या फिर खाया है उसके बाद पानी पिया है तो उसमें कुछ लेफ्ट ओवर गिर गया है तो वो उनको दिक्कत होती है, दे नीड फ्रेश वाटर, आई मीन ऑल ऑफ अस नीड फ्रेश वाटर, ह्यूमंस ऑल्सो, बट यस, कभी भी कोई जूस मिल्क ये सब अगर दोगे आप, एमन मिल्स वाले कॉल दिस, ध्यान रखना वो शुगर फ्री हो। नहीं, अफ्रीकन ग्रेस के लिए क्या क्या खाना जरूरी होता है, मोटा मोटा जो मुझे पता था, जो मैंने रिसर्च करके पता किया, उसके स्मोकी के डॉक्टर से पता किया, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। एज आई सेड, हर एक पैरट अलग होता है, हमेशा स्मोकी की तरह ही आपका ग्रे होगा या वही खाना पसंद करेगा, नॉट नेसेसरी आपको बहुत ज्यादा क्वेरी है कि उसको क्या खाना देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, प्लीज आप अपने पैरेट का जो वेट है उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको पूछिए कि क्या दे सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं आपके पैरेट बेबी को। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा मैं प्रमोट करती हूँ, दैट योर पैरट इज योर बेबी, वो आपका बच्चा है, आप उसे जैसे खिलाओगे, जैसे पिलाओगे, जैसे प्यार करोगे, वो उसका फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ वैसे ही रहेगा। सो प्लीज, सिर्फ कोई भी पेट खेलने के लिए, प्यार करने के लिए, कडल करने के लिए नहीं होता, उनके फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। On that note, we will end up the video. Smokey and Mama are saying bye for now. हम कोई अगले वीडियो पे कोई अगले टॉपिक के साथ आएंगे। कॉमेंट्स में बताइए आपका अफ्रीकन ग्रे, आपका पेट क्या क्या खाना पसंद करता है, और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक में देखना चाहते हो वीडियो, ये भी कॉमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यार देते रहिए स्मोकी एंड मामा को, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, स्मोकी को और प्यार पाने में मदद करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।